कहते भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा, एक एक भ्रष्टाचारी को शामिल करूंगा। मुझे आतिशी जी भाजपा के कार्यकर्ताओं पे बड़ी दया आती है, सौरभ भाई बहुत दया आती है, बेचारे आसाम में तैयार हुए वाटर घोटाला वाटर घोटाला वाटर घोटाला बुकलेट तैयार की, लाठी से उसको 6 महीने तक बांटा कि ये हेमंत विश्व शर्मा का भ्रष्टाचार है, हेमंत विश्व शर्मा का भ्रष्टाचार है, लाठी खाए जेल में गए। गोपाल राय जी क्या हुआ उसके बाद, क्या हुआ? कार्यकर्ता जुलूस निकाल रहा था, मोदी जी हेमंत विश्व शर्मा को गले लगा रहे थे, गले लगा रहे थे। वो रोने लगा, उसने कहा अरे इसने तो वाटर घोटाला किया है। बोले कुछ नहीं, अब हमारा भाई है। उसको मुख्यमंत्री बना दिया, उसको मुख्यमंत्री बना दिया। उसके बाद कहने लगे अजीत पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, चक्की पिसिंग 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 पिसिंग। सारे भाजपाई कार्यकर्ता लग गए बेचारे, कहने लगे मोदी जी कह रहे पिसिंग तो पिसिंग करेगा। अब वो सब कार्यकर्ता बेचारे नारा लगा रहे थे पिसिंग पिसिंग पिसिंग, तब तक पता चला उसको भी गले लगा लिया। पिसिंग पिसिंग की जगह करने लगे मिक्सिंग 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 मिक्सिंग। फिर कहने लगे हसन मुशरिफ चीनी घोटाला किया है 100 करोड़ का। फिर कहने लगे छगन भुजबल ने महाराष्ट्र सदन का घोटाला किया है। और तो और ये भाजपाइयों इनको शर्म नहीं आती, कहते राष्ट्रवादी हैं, कह रहे थे आदर्श घोटाला किया है, हमारे जवानों का पैसा खाया है, ये किया है वो किया है। आदर्श घोटाले के खिलाफ भाजपा का कार्यकर्ता लाठी का रहा था, आदर्श घोटाले वाले मुख्यमंत्री को उठा के राज्यसभा में भेज दिया भाजपाइयों ने, भाजपाइयों ने अशोक चौहान को भेज दिया। वहां गए कहने लगे शारदा स्कैम किया, नारदा स्कैम किया, मुकुल राय सुबंधु अधिकारी को भाजपा में शामिल कर लिया। तो मैंने भाजपाइयों के लिए नारा बनाया है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी, भाजपा का पदाधिकारी, भाजपा का पदाधिकारी। आप लोगों के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी तक अगर मेरी बात पहुंच रही हो तो मोदी जी कान खोलकर सुन लीजिए, अपने चेले अडानी को भी बता दीजिए, उसको भी बोलिए कान खोलकर सुन ले, अपनी पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और सारी जांच एजेंसियों को बता दीजिए, सब लोग कान खोल के सुन लीजिए। अडानी के घोटाले पर पूरे देश में आपको बेनकाब करूंगा, आपने महाघोटाला किया है, उसके बदले में आप और आपकी पार्टी और आपकी जांच एजेंसियां मुझे फांसी पे चढ़ाना चाहें तो चढ़ा दें, उसकी कोई चिंता नहीं है। और जहां तक मेरे अपने जीवन का सवाल है, पूरी ईमानदारी के साथ पूरा जीवन जिया हूं, आकाश से लेकर पाताल तक जांच कराओ, जितनी हिम्मत और जितनी एजेंसियां हैं तुम्हारी जांच कराओ, कुछ भी अगर मिल जाए तो भ्रष्टाचार के मामले में जो सजा लिखी हो उससे 10 गुना ज्यादा सजा दो, मैं कह रहा हूं। लेकिन अडानी के घोटाले